देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिल्ली में 50 डिग्री के करीब पहुंचे अधिकतम तापमान ने पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार भी भीषण गर्मी की चपेट में है। कई राज्यों के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियाँ हैं, लेकिन बिहार में अभी भी पढ़ाई चल रही है। बुधवार को बिहार के बेगूसराय और शेखपुरा में करीब 48 स्कूली छात्राएं बेहोश होकर क्लासरूम में गिर गईं। सरकार के इस लापरवाही पर अब चिराग पासवान ने सवाल खड़ा किया है और सीएम नीतीश कुमार को जमकर घेरा है। चिराग पासवान ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मैं बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस तपती गर्मी में विद्यालय खुले रहने से बच्चों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आपके सरकारी अधिकारी के तुगलकी फरमान की वजह से बच्चे बेहोश हो रहे हैं, प्रतिदिन अस्पतालों में इलाज चल रहा है, ये कोई अत्याचार से कम नहीं है। नैतिकता के आधार पर जरूरी है बच्चों की सेहत का देखभाल करना। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि इस भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों में अवकाश की घोषणा की जाए। आपको बता दें कि शेखपुरा के एक स्कूल में भीषण गर्मी की वजह से छात्राओं की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। भीषण गर्मी के कारण शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड अंतर्गत मनकौल उच्चतम मध्य विद्यालय समेत कई स्कूलों में छात्राएं बेहोश हो गईं। प्रचंड गर्मी की वजह से कुछ छात्राएं प्रार्थना के दौरान और कुछ छात्राएं क्लासरूम में बेहोश हो गईं। छात्राओं के बेहोश होने पर शिक्षकों में भी अफरा तफरी मच गई, जबकि छात्राओं के परिवार वालों को जब इसकी सूचना मिली तो वह भी स्कूल में पहुंच गए। बाद में छात्राओं को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दरअसल मटिहानी प्रखंड के मटिहानी मध्य विद्यालय में भीषण गर्मी की वजह से करीब 18 छात्राएं बेहोश हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए मटिहारी रेफर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी छात्राओं का इलाज किया जा रहा है। तो वहीं बेगूसराय में तापमान 40 डिग्री के पार है। भीषण गर्मी होने के बावजूद सभी विद्यालय खुले हुए हैं। मध्य विद्यालय मटिहानी में 10 बजे के करीब अचानक स्कूली छात्राएं बेहोश होकर गिरने लगी। इसके बाद प्रधानाध्यापक चंद्रकांत सिंह के द्वारा पहले विद्यालय में ही ओआरएस का घोल दिया गया, लेकिन इसके बावजूद बेहोश होने का सिलसिला लगातार जारी रहा, जिसके बाद सभी छात्राओं को इलाज के लिए मटिहानी रेफर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल 14 छात्राओं का इलाज मटिहानी रेफरल अस्पताल में चल रहा है। स्कूल के प्रधानाध्यापक चंद्रकांत सिंह ने बताया कि भीषण गर्मी है, विद्यालय में पंखे भी हैं, बिजली के साथ साथ जनरेटर की व्यवस्था की गई है, इसके बावजूद गर्मी की वजह से छात्राएं बेहोश होने लगीं। विद्यालय में प्राथमिक उपचार किया गया, लेकिन हालत बिगड़ने के बाद सभी बच्चियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चों के बीमार होने की सूचना पर परिजन अस्पताल और स्कूल पहुंचने लगे, जिस वजह से 10 बजे के बाद विद्यालय में मध्याह्न भोजन खिलाकर बच्चों को छुट्टी दे दी गई है। हालांकि सरकारी गाइडलाइन के विपरीत जाकर उन्होंने छुट्टी दी है। सरकार का तुगलकी फरमान है कि भीषण गर्मी में भी स्कूल खुला हुआ है। वहीं इलाज कर रहे अस्पताल के चिकित्सक राहुल कुमार ने बताया कि गर्मी की वजह से बच्चियां बेहोश हुई हैं। फिलहाल ग्लूकोज और ओआरएस का घोल बच्चों को दिया जा रहा है और सभी का इलाज किया जा रहा है। सूचना मिली है कि मटिहानी प्रखंड में इन कॉलेज स्कूल में कुछ बच्चियों की तबीयत खराब हुई थी और गर्मी की वजह से जो तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद उनको अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए लेके गया था। उनको ORS और एक दो बच्चों को जिनको ज़्यादा तबीयत खराब थी उनको ड्रिप भी दिया गया है। अभी वर्तमान में सभी बच्चों की स्थिति तबीयत ठीक है और किसी की चिंता की बात नहीं है। ये जो भी गर्मी के कारण इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं, उनको मॉनिटरिंग करने के लिए जितने भी हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है। और ये अगर कहीं भी इस तरह की बात आती है कि बच्चे की अगर तबीयत खराब है तो उसको तुरंत उपचार कराने के लिए बेसिक जो चीज़ें हैं ORS और ये चीज़ें भी स्कूल में उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।